मोहम्मद एजाज मोहम्मद ताहिर सामाजिक कार्यकर्ता 2013 से हम काम कर रहे हैं। आए दिन समस्याएं भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए हमने आज़ाद अधिकार सेना पार्टी अमिताभ ठाकुर जी की जो कि लखनऊ के हैं और ईमानदार ऑफिसर रह चुके जिनको जबरन रिटायर किया गया, उनकी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार अकोला से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह पानी का जहाज। अकोला में जो है आपके पार्टी का एजेंडा क्या क्या है? अकोला से आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या क्या है? मुख्य एजेंडा ये है कि शिक्षा फ्री में होना चाहिए और सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्था सही होनी चाहिए। अकोला जिलों के हॉस्पिटलों के हाल आप देखते हो, आए दिन समस्याएं का समाधान मिलता नहीं है और मजबूरन में गरीब से गरीब को ब्याज से कर्जे से पैसे लेकर प्राइवेट में जाना पड़ता है। इसी तरह शिक्षा का भी हो गया है, शिक्षा एक व्यापार बन गया है, लोगों ने बिजनेस के लिए इसको अपनी तरफ ले लिए है और बिजनेस का व्यापार ही कर रहे हैं हर कोई। तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, झोपड़पट्टी बन नहीं रही है, डंपिंग ग्राउंड का और बहुत से रोड है 5-5, 10-10 साल बन नहीं रहे हैं, पास हो गए हैं फिर भी काम नहीं चालू है, आए दिन उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों के नुकसान हो रहे हैं, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अकोला में जो है पिछले 15 साल में काफ़ी एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, बावजूद उसमें डेवलपमेंट जो है कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आने चाहिए थे, वो प्रोजेक्ट नहीं आए, जबकि इनकी केंद्र में और राज्य में बड़ी सत्ता थी एक हाथ। आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग है, यहाँ के जो रोजगार वाले युवा है वो नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, ये एक आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ काम किया है पर खुद का किया है और राजाशाही जो शुरू हो चल रही है, मोदी जी का कहना जो तो उसका उल्टा हो रहा है कि राजाशाही जो है वो इनके घर से चल रही है। और अभी आप देख ही रहे हो कि कितना डेवलप हो गया है अकोला, यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है पर देखने के लिए बहुत कुछ है ऊपर से, पर अंदर से अगर आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या सुविधा है, लोगों को कितना तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिले के सभी प्रकार के सभी जाति समाज के लोग आते हैं, उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। और क्या अभी तो मसले यहाँ जो है सुधार नहीं हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है और मंदिर मस्जिदों के नाम पर लोगों को सुसाया जा रहा है ताकि वो उनसे दूसरा कोई सवाल कर ना पाए। अच्छा, यहाँ के जो मेंबर है पार्लियामेंट है वो एक बड़े पद पे रहे हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, HRD मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री है, आपको लगता है बावजूद भी अकोला का जो जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं है, इसके लिए आपको आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था और जितना उनके पास समय था उस सबके बहुत कम समय में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता था, पर यहाँ डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, उल्टा यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। अच्छा, वो एक HRD मिनिस्ट्री थे, इसके बावजूद भी जो अकोला में IIT IIM आने चाहिए थे, जो इंस्टीट्यूट्स केंद्र सरकार के आने चाहिए थे वो आए नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इन्होंने मेहनत की ही नहीं सुधार करने के लिए, ये तो सब जितने भी है सब अपने काम को देख रहे हैं, अपने तरक्की को देख रहे हैं, लोगों से जनता से इनको अगर कुछ लेन देन होता तो यहाँ बहुत कुछ सुधार होता, जनता ने हर बार उनको चुना के लाई है, 3 बार आ गए, अब 14 से भी बादशाही हुकूमत शुरू करने वाले हैं तो देखो इस बार जनता शायद ही साथ दे उनका। अच्छा, यहाँ पे कोरोना के बाद में MIDC की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुकी है और यहाँ की जो बेरोजगार है वो सब पुणे मुंबई बाहर जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो अभी जितने भी युवा है वो बेरोजगार हो गए और ग्रेजुएट इंसान मिस्त्री काम कर रहा है, अंबाली काम कर रहा है, ऐटो चला रहा है, ये तरक्की है मोदी जी की, मोदी जी यही तो चाहते थे, वाला भाव बेचो, तो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनकी भी सोच वही थी कि युवा लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित है वो बेरोजगार है। यहाँ पे जो है डंपिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा इशू है, डंपिंग ग्राउंड में जो है बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है ऐसे बोला कहा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो बहुत सालों से मुद्दा चल रहा है और उसके लिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है, पर वो उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है आज तक, लोगों को वहाँ पर जो सुधारा आना चाहिए, लोग उसके लिए वहाँ पर अर्जियाँ दे रहे हैं, वहाँ आसपास में जो गंदगी के जैसे लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती है, बच्चे बीमार होते हैं
और बहुत सी समस्याएं, आग लग गई थी बीच में, बच्चों का नुकसान हुआ था, तो ये सब चीजों को देखते हुए भी वो जान के अनजान बनने वाले हैं। अच्छा, आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या है और आपने मतदाताओं को क्या क्या कमिटमेंट किया है? कमिटमेंट यही है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, और नहीं फ्री होती है तो जो सरकारी स्कूल है उसमें सब चीजों का जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट होता है उस तरह से सरकारी में होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे जो है यहाँ पे आपने हाईलाइट किया है जिसको लेकर यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को अकोला जिले की जरूरत है? पंचायत होनी चाहिए सबसे पहले, यहाँ जनता की अदालत होना चाहिए, जो कि जिस तरह से एक दौर में पंचायत भर्ती थी कि कोर्ट और थानों के पहले कुछ मसले लोगों के निपटाया जाए, सुनी जाए, क्योंकि आज जो प्रशासन का हाल चल रहा है कि चेहरा देखकर काम होता है, डिपार्टमेंट में हमारे कुछ लोग ऐसे है जो चेहरे देख के काम करते हैं, अब इसका सुधार आना चाहिए ऐसी चीज में। अच्छा, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा रहती है, यहाँ पे बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में काफी वायलेंस हुआ है, हिंसा भी हुई थी, झगड़ा, काफी टेंशन में था। आप इसको कैसे देखते हैं और दोनों समुदाय के या विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो एकता बनाए रखने के लिए आप क्या कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों से? देखो, एकता बनाए रखना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ बहुत एकता है, पर जो लोग यहाँ पर एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि सुधारण जो नहीं हो रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी जो है गुमराह हो रही है, तो बहुत सी जगह ये नेता लोग ही इसके जिम्मेदार है। इन्होंने युवा पीढ़ी के दिमाग में मस्जिद और मंदिर डाल दी है, शिक्षा और बेरोजगारी पर तो कभी बोलने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी में या बाकी सब ग्रामीण इलाकों में रोड उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी, नहीं। आपको लगता है कि जो सांसद की जो निधि आती है उसका आवंटन ठीक तरह से नहीं हुआ, जिसके कारण रोड पर जो काम होने चाहिए थे, शिक्षा पर जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ना रोड पे हुआ ना शिक्षा पे हुआ। आप देखिए ना, अभी जाकर आपको रोड जाइए, बालापुर रोड से जाइए, पता चलेगा ना आपको। जब जनता के बीच आप एनी टाइम रहेंगे, हम तो एनी टाइम जनता के बीच में रहने वाले हैं, 5 साल में एक बार प्रचार के लिए नहीं आने वाले, ना हमको किसी मंत्री की जरूरत है प्रचार के लिए, ना हम बाहर से बुलाने वाले, हमारा काम हमारी पहचान है। अच्छा, आपके पार्टी के जो अमिताभ जी जो है जिस पार्टी का पूरा नुमाइंदे जी जिसको कहते हैं, वो IAS रिटायर्ड IAS अफसर रहे हैं, वो काफ़ी महीने तक उनको जेल में रखा गया था मोदी योगी सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं और इसके जरिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो जो देखो ईमानदार ऑफिसर के साथ में ये नेता लोगों नेता का काम ही है इनके, कि इस तरह से जो इनकी बात नहीं सुनता है उसको ये जेल में डाल देते हैं। ये तो आज के दौर में कोई उनको बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको बोलने की जरूरत है। तो आप अगर चुन के आते हैं, आप लोगों का, मतदाताओं का अगर आपको साथ मिलता है, तो आप लोगों के प्रति क्या क्या कमिटमेंट करोगे? सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा का और शासन कार्यों में सुधार होना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े मसलों के अंदर जो है जिम्मेदार जो है हमारे जो नेता लोग है और शासन है, ये जिम्मेदार है। अच्छा, अकोला जो है या आसपास के कई इलाके जो है वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी के कारण लोग जो है अपना लाइन की है, आज भी देखो दो दो तीन तीन घंटे लेना नहीं रहती है। हमें लगता है कि भाई कोई खेले वालों में ऐसा है, पर नहीं, हमारी सिटियों में भी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, किसानों की कर्ज माफी को लेकर काफी पार्टी की तरफ से डिमांड की जा रही है कि उनकी कर्ज माफी जो है वो दी जाए और MSP जो है लागू किया जाए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों का जो विषय है ये इलेक्शन के टाइम पे तो बोलते हैं कि उनका कर्जा माफ कर देंगे, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं करते हैं? और ये सब इनके जो फंडे है ये जनता जान चुकी है, अब तो इनका साथ नहीं देंगे वो। अच्छा, अकोला में महिला सुरक्षा को लेकर आपकी आपने क्या कमिटमेंट किया है मैनिफेस्टो में? नहीं, महिला सुरक्षा के लिए तो अभी इनको दुरुस्ती करने के लिए पहले इनके नेताओं को दुरुस्त होना पड़ेगा उसके लिए। आजस आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या अनुरोध करोगे यहाँ के मतदाताओं को? बस यही है कि आप जो भी आपका वोट जो है बहुत कीमती है, इसको आप समझिए। आप जाति के नाम पर वोट मत डालिए,
आप काम देखकर आपके जिले को सुधारा करने के लिए एक बार सोच समझ के फिर से फैसला कीजिए। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं आपके पास, वो लोग आपके पास हमेशा आने वाले है क्या? आपके तकलीफों में आने वाले है क्या? जो लोग आपके पास 5 साल में एक बार आते हैं और इतना भ्रष्टाचार करते हैं, यानी वीडियो के जरिए, बैनरों के जरिए खर्चा, इतना भ्रष्टाचार इनका बैनरों से मालूम पड़ेगा आपको कि इनके बैनर ऐसे लगाते हैं, इनका तो भ्रष्टाचार जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये जब शुरू से ऐसा करते हैं तो आने के बाद दूसरी भी पार्टी अच्छा काम करेंगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, जिस तरह से हम वोट देते हैं उस तरह से हमें कुछ काम भी करवाना चाहिए उनसे। अच्छा, यहाँ पे कहा जाता था बीच में कि एक रेलवे ट्रैक का एक 700 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था, लेकिन उसका क्या हुआ आगे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा प्रोजेक्ट पर कुछ काम चल रहा था क्या, और इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ तो जाकर प्रोजेक्ट का तो मसला है तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो आप अब जनता के लिए जनता दरबार में जा रहे, क्या अपील करोगे आपके चुनाव चिन्ह के जरिए? चुनाव अगर हम आते हैं चुनकर तो हमने जो बोला है ये जनता सेव करके रख ले, ये हम करके रहेंगे।